पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन जारी है। इस दौरान लोग अपने अपने तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शादी ब्याह का भी आयोजन कर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन के दौरान ऐसी ही एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया है। इस शादी समारोह में न धूम धड़ाका था, न शहनाई, न चहल पहल, फिर भी एक जोड़े ने सादे लिबास में शादी रचाई। मुंह पर मास्क लगाकर शादी के साथ फेरे लिए और फिर लॉकडाउन में ही एक दूसरे के हो गए। ये शादी दुल्हन और दूल्हे के माता पिता की रजामंदी से हुई है। गोपालगंज के बरौली थाना के चौबे टोला से केएन प्रसाद यादव ने पुत्राभिषेक की बारात एक वाहन से 5 लोगों के साथ नेवरी गाँव के प्रसाद यादव के यहाँ लेकर पहुंचे, जहां लगन मुहूर्त के अनुरूप पंडित के साथ आधे दर्जन लोग सोशल डिस्टेंस में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वार पूजा के बाद सादे समारोह में वरमाला, मंत्रों के बीच सिंदूरदान और एक साथ जीवन बसर करने के लिए दूल्हा अभिषेक और दुल्हन अनु ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। इन लोगों ने कम खर्च में शादी रचाने का संदेश दिया। वहीं कोरोना से बचने के लिए दुल्हन ने भीड़ से बचने की सलाह दी। प्रसाद जादव ग्राम नेवरी, अपने लड़की अनु कुमारी का शादी वसीहर यादव के पुत्र अभिषेक यादव के साथ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अच्छा महसूस कर रहे हैं और कम खर्च में यह शादी हो रहा है। हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हर आदमी जागरूक हो और कम खर्च में अपने लड़का और लड़की का शादी करे, जिससे समाज में परिवर्तन संभव हो। कुमारी, लॉकडाउन में शादी होने के कारण सभी लोग दूरी बना कर रखें और मेरा शादी यहीं यादगार रहेगा। सभी लोग साबुन से, डिटॉल से या कोई भी साबुन से हाथ धोए और 1 मीटर का दूरी बना कर रखने का कोशिश करें। नाम अक्षय कुमार, ग्राम बरौली। ये शादी हो रहा है सोशल डिस्टेंस में, शादी के यादगार में बहुत अच्छा लग रहा है। यार प्रसाद यादव, बरौली चौबे टोला घर है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 5 आदमी लेकर आए हैं अपने लड़के की शादी में और बहुत अच्छे से शादी हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।